यूँ तो हम भारतीय नारियों के सशक्तिकरण की बातें करते हैं, पुरुषों से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई है कि उन्हें बुनियादी चीजों तक की जानकारी नहीं है। चाहे महावारी हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या और भी अन्य समस्याएं, महिलाएं इन मामलों पर बात करने में झिझक महसूस करती है, शर्म महसूस करती है। यही झिझक दूर करने के लिए जैस्मिन पारेखान, इन्होंने एक खूबसूरत पहल शुरू की है। अपनी दादी रईसा खातून और पिता प्यारे जिया खान से चर्चा कर आज उन्होंने वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम आयोजित किया। नमस्कार। सबसे पहले रईसा खातून वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम में प्यारे भाई ने आज यहाँ पे इन्वाइट किया है, तो सबसे पहले तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो जैस्मीन ने यहाँ पे जो पहल की है वो वाकई काफी खूबसूरत है। मैं अभी 2 मिनट पहले मैं उनकी दादी के साथ में मैं बात कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि लोग कहते हैं कि बेटा बहुत कुछ करता है, हर माँ हर बाप की यही सोच होती है। उनको यही लगता है कि बेटा है तो घर चलाएगा, बेटा है तो समाज को चलाएगा, बेटा है तो ना कुछ ही करेगा, बेटा है तो ना जाने क्या क्या करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है आज जो जैस्मीन ने यहाँ पे शुरुआत करी है वो हर चीज पे हम लाइन को क्रॉस करते हैं। मुझे लगता है हर बेटी हर माँ, आज यहाँ पे आप जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है वो अपनी बेटी को जैस्मीन जैसा बनाना चाहिए। मेरी भी 5 साल की बेटी है, उसे मैं अभी से शुरुआत, मैंने अभी से सिर्फ 5 साल की, लेकिन मैंने उसे आज से ही उसको ये सिखाया है कि आपको लोगों की मदद करना सीखना चाहिए, आपको गरीबों की मदद करना है। पर उसे तो ये समझते नहीं गरीब होता क्या है, बच्चे को क्या समझता है ना, गरीबी अमीरी उसे क्या समझती है, बीमार होना, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये उन्हें नहीं समझता है, ये हम सिखाते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे आज हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं, आपको पता है, आपको नहीं पता या आपको पता भी होगा कि आप बीमार है नहीं है, बट फिर भी आज आप एक उम्मीद लेकर आए हैं। यहाँ मैं थैंकफुल हूँ जैस्मीन मैडम एंड रईसा खातून मैडम एंड प्यारे खान साहब, इन्होंने विमेन वेलफेयर के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और विमेन इंस्पिरेशन फिगर्स जैसे मधुरा भाभी, जैसे मिसेस नूरुल हसन एंड इतर जो विमेन फिगर्स है उनको भी बुलाया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है फॉर ओवरऑल वेलबींग ऑफ विमेन, और इसका मुझे भी पार्ट बनाया एज DCP Zone 4। आई एम वेरी लकी दैट आई एम अ वुमन and I am able to participate in this program. मैं भी women का safety के बारे में हर वक्त 24/7 सोचती हूँ being a woman, and women का health awareness के अलावा there are so many other aspects जिसके ऊपर police को focus करना है, not just safety but overall 360 degree welfare of women, and towards that मैं अपना पूरा energy डालने के लिए ready हूँ, and I have also shared my public number on this platform so that all women can reach out। देखिए, जब सबसे पहले जैस्मीन को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ, उसने बहुत अच्छी ये पहल किया है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियाँ सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती है, मेकअप में बहुत एक्टिव होती है कि भाई मेकअप ही करना है, पूरे टाइम मेकअप ट्राई करती रहती है कि मैं कैसे अच्छे से दिखूँ, मैं कपड़े कैसे अच्छे से पहन सकती हूँ। बट जैस्मीन ने जो ये पहल किया है इस उम्र में, आज उसका शायद मुझे लगता है जो उम्र उसकी है वो कॉलेज जाने की है, बट उसने जो शुरुआत की है ये काबिले तारीफ़ है। मैं तो हर घर में और हर बेटियों को मैं चाहती हूँ कि वो जैस्मीन जैसी बने और वो जैस्मीन जैसे ही ऐसी पहल करे। अगर आप हो किसी को देने लायक तो कहते हैं ना, थोड़े से में से थोड़ा सा दो तो खुदा आपको और देगा। तो बहुत अच्छा काम कर रही है वो और काबिले तारीफ़ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उसने मुझे इसका पार्ट बनाया। और थैंक यू प्यारे सर को भी जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और बहुत ही खूबसूरती से इस प्रोग्राम को जो चल रहा है तो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूं।